नमस्कार दोस्तों आपको अगर हमारे हेल्थ चैनल डॉक्टर निगम सोनोपैथी में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें आज हम लोग बात करेंगे विटलिगो के बारे में ना विटलिगो एक डॉक्टरों का दिया हुआ टर्म है इसको बोलचाल की इंग्लिश भाषा में ल्यूकोडर्मा कहते हैं यहाँ तक तो बात अच्छी सी लगती है सुनने में कि बीमारी होगी लेकिन जब आप अपने शरीर पे सफ़ेद चिकत्ते या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति को उसके चर्म में उसके उसकी स्किन में सफ़ेद दाग को होते हुए देखते हैं तो आप दो क़दम ठिठक जाते हैं इसको सफ़ेद दाग कहा जाता है इसको आयुर्वेद में सफ़ेद श्वेत कुष्ठ कहा गया शायद इसी वजह से गाँव में छोटे शहरों में सफ़ेद दाग को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ हैं पहले मैं उन भ्रांतियों को दूर करना चाहूँगा ये कुष्ठ रोग नहीं है कुष्ठ लेप्रेसी होती है श्वेत कुष्ठ मतलब ये सफ़ेद लेपरेसी नहीं है लेपरेसी के बारे में जो आम बात है कि लेपरेसी छूत की बीमारी होती है इसीलिए लोग सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को से छुआ का बर्ताव करने लगते हैं स्पेशली गांव में आजकल ये इन्फॉर्मेशन के साथ एजुकेशन के साथ कम होता जा रहा है मगर ऐसा देखने में मिलता है इसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अक्सर अवसादग्रस्त डिप्रेस्ड या एंशियस हो जाता है कृपया ऐसा ना करें सफ़ेद दाग कोई छूत की बीमारी नहीं है ये एक दूसरे को छूने से नहीं बढ़ सकती सफ़ेद दाग आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? आज कल सफ़ेद दाग क्यों बढ़ रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे खान पान में मिलावट का होना तमाम तरह के केमिकल्स हमारी सब्ज़ियों में तमाम तरह के केमिकल्स हमारे फलों में तमाम तरह के यूरिया एडसेट्रा दूध में हम लोग को खाने को मिल रहे हैं न ये वो चीज़ें हैं जो सफ़ेद दाग को बढ़ा रही हैं प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सफ़ेद दाग होता ही क्यों है इतना ज़रूर बता दिया गया है कि ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारे शरीर की जो मिलेन प्रोड्यूसिंग यानी कि जो ब्राउन पिगमेंट होता है उसको बनाने वाली सेल्स के ख़िलाफ़ काम करने लगती है इसके आगे साइंस हमें कुछ नहीं बताती सो so, इसका इलाज तमाम तरीके से हर पैथी में किया जाता है अक्सर सफ़ेद दाग मैंने देखा है कि ठीक नहीं हो पाते और सफ़ेद दाग के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए जानता हूँ कि क्लास टेंथ में जब मैं था तो मेरे को अपेंडिक्स का पेन हुआ उस अपेंडिक्स के पेन में, में मेरे को एक इंजेक्शन लगाया गया मल्टी कुछ एंटीबायोटिक्स थे जो कि सात दिन लगाए गए उस एंटीबायोटिक के बाद हमारे स्किन में एक वाइट स्पॉट आ गया तमाम दवाएं करी गई सबसे पहले होम्योपैथी करी गई दाग रुका रहा फिर एलोपैथी करी गई दाग बढ़ने लग गया इतना बड़ा कि कंट्रोल में नहीं आया फिर आयुर्वेदी करी गई कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें बताई हमारे माता पिता को और वो हम पे ट्राई करते रहे बड़ी हास्यास्पद बात है कि यहाँ तक लोगों ने बताया कि बासी थूक को लगाओ उससे आराम मिल जाएगा सबसे कठिन उपाय जो बताया गया वो ये बताया गया कि एक सांप को पहले पटक करके मारो फिर उसके बाद उसके मुंह के अंदर आप उसके मुंह से उसके जहाँ तक जा सके उसमें हल्दी की गांठें भर दो फिर उसको लकड़ी के कोयले पर जला दो फिर जो भस्म बने उसको घी में गाय के घी में सफ़ेद गाय की घी में मिला करके दाग पे लगाओ और ठीक हो जाएगा ये सब बकवास बातें पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि मैं स्वयं इसका भुक्त भोगी रहा हूँ कि और मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी ये जाहिर सी बात है कि जब मैं डॉक्टर बना तो सबसे पहले मेरा ध्यान इसी बीमारी पर गया जब मैं ठीक नहीं हो पाया तो मैं क्यों नहीं ठीक हो पाया ये जानना मुझे बहुत ज़रूरी लगा इसके दो रीज़न थे एक रीज़न तो ये था कि मुझको सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मिला दूसरा रीज़न ये था कि लोग ये नहीं समझ पाए स्पेशली डॉक्टर्स कि कुछ बीमारियां ठीक ही नहीं होती हैं सफ़ेद दाग कब ठीक नहीं होता है ये मैं पहले आपको बताना चाहूँगा सफ़ेद दाग जिन लोगों के बॉडी के 25 परसेंट एरिया से ज़्यादा होगा तो वो ठीक होना मुश्किल होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है सफ़ेद दाग अगर उंगलियों के चारों तरफ ओंटों के ऊपर पाम्स में और सोल्स में आ जाए तो इसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है तो हर सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकता दूसरी बात सफ़ेद दाग के परहेज बहुत कठिन होते हैं इसके ट्रीटमेंट में अगर आप खट्टी चीज़ों का परहेज़ कर लेंगे नमक को कम से कम कर लेंगे या बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे और साथ ही साथ आप रेगुलर सन बात करेंगे तब आपको इसमें सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे रही बात होमोपैथी की तो आज मेरे पास तमाम होमोपैथी में इलाज कराने पेशेंट्स आते हैं सफ़ेद दाग के और मैं आपको बता दूं कि सब लोग ठीक नहीं होते मैं बहुत साफ से बता रहा हूं मगर जो आइसोलेटेड स्पॉट्स होते हैं जो 25 परसेंट से कम स्पॉट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और मैं बहुत स्पष्ट लोगों को बता देता हूं कि ये ठीक हो जाएगा और ये ठीक नहीं होगा दूसरी बात इलाज बहुत स्लोली होता है आप अगर जादू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप और पैथीज़ में चले जाइए मगर होमोपैथी में इलाज बहुत स्लोली होगा तीसरी बात जो होमोपैथ आपको वाइट स्पॉट्स के लिए बहुत ढेर सारी दवा दे, उससे बचें क्योंकि वाइट स्पॉट्स के इलाज में मैंने देखा है कि कम से कम दवा फ़ायदा करती है और कम पोटेंसी की दवा फ़ायदा करती है हाई पोटेंसी की दवा ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है एक दो बहुत कॉमन रेमडीज़ हैं जिसमें कि आर्सेनिक सल्फ सल्फलेवम करके एक दवा है जो बहुत कॉमन है जिसको कि लोग अमूमन अपने आप ही खरीद करके खाना खाने लग जाते हैं मैं आपको बता दूं ये भ्रांति है आर्सेनिक सल्फ सल्फलेवम कोई बहुत बढ़िया होम्योपैथी की दवा नहीं है सफ़ेद दा को ठीक करने के लिए होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ बहुत बढ़िया काम करती हैं नैट्रम्यूर सीपिया सेलेशिया लाइकोपोडियम सल्फर एटसेट्रा सल्फ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो वाइट स्पॉट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मगर ये दो धारी तलवार है अगर इसको ठीक से यूज़ नहीं किया गया तो ये आपकी बीमारी को बढ़ा भी सकती है इसलिए हमेशा डॉक्टर के अंडर में ही एक होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर में ही ट्रीटमेंट कराएँ दूसरी चीज़ लगाने की दवा चाहे वो एलोपैथी में हो चाहे वो यूनानी मेडिसिन में हो चाहे वो होम्योपैथी में हो ज़्यादातर लगाने की दवा जो यूज़ करी जाती है वो बागुची नाम के एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट होती है एलोपैथी में उसका एल्कलॉइड यूज़ करते हैं होम्योपैथी में उसका अर्क यूज़ करते हैं उसके मदर टिंचर्स को यूज़ करते हैं और आयुर्वेद में इसका तेल यूज़ करते हैं मगर होता सब कुछ बागुची का एक्सट्रैक्ट है ये मिलानिन की सिंथेसिस बढ़ाता है और मैं आपको बता दूँ ठीक होने की निशानियाँ क्या हैं अगर वाइट स्पॉट है आपके और वाइट स्पॉट के साइड में ब्राउन स्पॉट आने लगें और सेंटर में ब्राउन स्पॉट्स आने लगें तो समझिए कि ये वाइट स्पॉट सबसे जल्दी ठीक होगा धैर्य रखिए अगर वाइट स्पॉट है और सेंटर में ब्राउन स्पॉट ना आए केवल साइड में ब्राउन स्पॉट आए और बाकी का वाइट स्पॉट रेड हो जाए तो समझिए कि ये रेजिस्टेंट है ये देर में ठीक होगा लेकिन ठीक हो जाएगा लेकिन वो वाइट स्पॉट जिसमें कि ना साइड में इस्पॉट ब्राउन आए ना सेंटर में आए बल्कि केवल पिंक रहे दवा करने के बाद या वाइट रहे तो समझिए कि ये रेजिस्टेंट है तीन महीने में अगर चेंज नहीं आ रहा है होम्योपैथी की दवा से तो समझ लीजिए कि ये ठीक होने वाला नहीं है कम से कम हमारी दवा से तो नहीं ठीक होने वाला तो मैं लोगों को इसी हिसाब से गाइड करने की कोशिश करता हूँ अक्सर लोग ये कहते हैं क्योंकि वो इतने डेस्परेट होते हैं ठीक होने के लिए सोशल आउटकास्ट महसूस करते हैं अपने आप को अक्सर वो है कहते हैं कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दीजिए हमको ठीक कर दीजिए जबकि ठीक होना पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसे में मैं उनको मुस्कुरा करके केवल इतना कहता हूँ कि मुझको देख लो देखने में आप तो बुरा नहीं लगता जब चित चितकबरा था तो बुरा लगता था अब नहीं बुरा लगता हूँ सो पूरा वाइट हो जाओ और ऐसे में कई केसेस है जिनको मैं पूरा डीपिगमेंट कर चुका हूँ उनमें से कई लड़कियाँ हैं कुछ लड़के हैं जो यंग थे परेशान थे मेंटली अपसेट थे आज वो सब सेटल्ड हैं वो हैप्पी हैं और वो मुझे मैसेजेस भेजा करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी बदल गई जब से मैं पूरा सफेद हो गया तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा यानी कि अपने आप को समझो अपनी बीमारी को समझो जो ठीक है उसमें ठीक होने की बात समझो अगर ठीक नहीं हो सकता तो आगे बढ़ो दूसरा रास्ता अख्तियार करो जैसे मैंने किया हर बीमारी ये आप जान लीजिए हर बीमारी एक पोटेंशियल समय होता है अपने आप को हील करने का अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ पे ले जाने का इसलिए दोस्तों कभी भी हार नहीं माननी है किसी भी डिजीज़ से चाहे अंग भंग ना हो जाए क्यों ना हो जाए जब तक जान है तब तक जहान है और हमको लड़ना है लड़ते रहना है बीमारियों से और परिस्थितियों से धन्यवाद